बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमेशा की तरह हम अपने कार्यक्रम में कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिससे हमारे किसान भाई बहनों की मदद हो सके, उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषकों को दिया जाता है अनुदानित दर पर संकर बीज। पशुपालक रखे पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सेक्रेटियर। राज्य के कृषकों के कल्याणार्थ कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना। इस योजना के तहत धान, मक्का, ज्वार, सरसों एवं सूर्यमुखी के संकर बीज सूचीबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर दिया जाने का प्रावधान है। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में या डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं श्वान, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। स्वान, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद है कंचन HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। मटर की फसल में इन दिनों चूर्ण लाचिता रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप का संभावना रहती है, जिसमें कि मटर के पौधों में सफ़ेद चून जैसा लग जाता है, जिससे कि पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और फलन प्रभावित होती है। पाउडरी मिल्ड्यू के अधिक प्रकोप से पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए सल्फर युक्त दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर छिड़काव करना अच्छा होता है। अन्य समस्याओं के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सेक्रेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या खूबियां हैं। ये है रोज सेक्रेटियर। पौधे एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधे के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चुका है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने, देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। ઇસ યોજના સે મિલે લાભ તથા આવેદન કી સ્થિતિ દેખને કે લિયે પીએમ કિસાન પોર્ટલ લોન્ચ કિયા ગયા હે। ઇસ પોર્ટલ કે માધ્યમ સે પાત્ર કિસાન અપના પંજીકરણ સ્વયં કરને કે સાથ સાથ અબ તક મિલે લાભ ઓર અપને આવેદન કી સ્થિતિ ફાર્મર્સ કોર્નર સે દેખ સકતે હે। ઇસ યોજના કા લાભ પાત્ર કિસાનો કો હી મિલ સકે इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन से किसानों को साल भर अच्छा मुनाफा भी प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे कि झारखंड परिवेश में सुकर पालन की कितनी लाभकारी संभावनाएं हैं और देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। सुकर पालन यानी पिग फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यही वजह है कि युवाओं के लिए यह रोजगार बड़ा विकल्प बनता जा रहा है। जहां तक बात झारखंड में सुकर पालन की करें तो यहां बड़े पैमाने पर लोग इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि पशुपालक अगर ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो दोगुनी कमाई कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है और आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार, जिनसे हम जानेंगे कि झारखंड के परिवेश में सुकर पालन कितना लाभकारी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम। अगर हम पशुओं की बात करें तो हमारा जो झारखंड राज्य है वो संथाल आदिवासी बहुल प्रक्षेत्र है और यहाँ हमारे जो आदिवासी भाई बहन रहते हैं उनका पशुओं में जो पालन करते हैं उसमें सुकर पालन एक मुख्य व्यवसाय के रूप में, रोजगार के रूप में या उनके एक आंतरिक जो रहन सहन में जो हम लोग कहते हैं
एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर बात करें संथाल भाई बहनों की, तो सुकर पालन के बगैर वे जी नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, एक कुछ कमी रहती है। लेकिन जो हमारा जो सुकर पालन व्यवसाय है, वो कुछ आज के दिनों में जो उनसे यथोचित जो लाभ मिलना चाहिए, वो तकनीकी जानकारी के अभाव में कुछ कमी रह रही है। अगर हम लोग इस पर ध्यान दें, हमारे सुकर पालक भाई बंधु ध्यान दें, तो काफ़ी उसमें रोज़गार के अवसर, उसमें संभावना बनी हुई रहती है। सबसे पहला जो है हमारा नस्ल, नस्ल की बात करें तो देसी नस्ल की तुलना में जो हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो उन्नत प्रजाति की नस्ल तैयार की गई है झारसुक, है ना, अगर इसको किसान बंधु भाई पालते हैं तो हमारा देसी जहाँ साल भर में 40 से 50 केजी तक होता है, उसकी तुलना में 80 से 90 केजी तक वजन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके वजह से उनकी जो लाभ है वो दोगुनी हो सकती है और हो जाती है। तो सबसे पहला है कि वे देसी नस्ल की अपेक्षा हमारे उन्नत नस्ल के सुकर का चयन करेंगे। फिर इसको रखने की बात करती हैं, जहाँ तक किसान भाई सुकर पालन करते हैं तो उनके रखने के लिए कोई यथोचित अपना आवास की व्यवस्था नहीं करते हैं, जिसके चलते उनका जो परिवेश, जो परिवहन होता है वो बहुत ही दुखदायी होता है, और उनका जो बीमारी से ग्रसित भी हमेशा उनकी संभावना बनी हुई रहती है। तो सबसे पहले जो किसान बंधु उसको रखेंगे, उनके लिए एक अलग घर रखें, साफ़ सुथरा हो, रहने के लिए जो उनकी फ्लोर हो वो पक्की हो, पक्की नहीं भी हो तो कम से कम एक समतल सामान हो, हवादार हो, रोशनदान हो, ठंडदायक हो, उसमें खिड़की की भी व्यवस्था होनी चाहिए, खुला जगह हो जहाँ की भी बाहर निकल के मल मूत्र कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके रहने के लिए भी उनको आवास की व्यवस्था करनी होगी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से झार सुकर प्रजाति को तैयार किया गया है। यह उन्नत किस्म की प्रजाति है। जानकार कहते हैं कि सुकरों के लिए आवास भी बेहद अहम होते हैं। इसके आवास के लिए पर्याप्त स्थान एवं पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आवास में हवा, प्रकाश, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। मौसम के अनुसार आवास थोड़ा खुली छत वाला भी हो। फर्श पक्का तथा छत घास फूस या खपरेल से बना सकते हैं। जो इनमें स्वेद गंथरी के अभाव रहती है, और जैसे अभी गर्मी का दिन भी आ रहा है तो काफ़ी पसीना इन लोगों का नहीं निकलने के वजह से गर्मी से लू लग करके हीट स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे मरने की संभावना बनी हुई रहती है। तो किसान भाई को भी चाहिए कि यथोचित लाभ के लिए उनका प्रॉपर, उनका जो वजन बढ़े इसके लिए, उनका जो गर्मी ना लगे उनके लिए एक छोटे से एक स्नान बाथ बना ले, जिसमें कि दो चार बूंद आप कुछ तेल हो गया, जैसे तारपिन का तेल हो गया या फिर करंज का तेल हो गया, इस तरह का तेल डाल दें, जिनसे कि ना केवल गर्मी शांत होगी, वो दिन में एक दो बार उसमें लुढ़कन मार करके अपनी शरीर की गर्मी शांत करेंगे, बल्कि जो उसमें शरीर में जो चर्म रोग की संभावना रहती है उनसे भी निजात पा सकेंगे। उसके बाद यहाँ तक देखते हैं कि हम लोग की जो सुकर पालन में अगर हानि होती है, तो एक हमारा बीमारी जो बोलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुकर ज्वर, स्वाइन फीवर, है ना, हॉक कोलरा के नाम से भी व्याख्यात है। इस बीमारी से हमारे सुकर पशुओं की काफ़ी ज़्यादा मौत होती है। तो अगर किसान भाई अगर इस बीमारी से बचने के लिए, इस संक्रामक बीमारी से बचने के लिए अगर टीकाकरण करा लेते हैं, तो आप समझिए कि हमारी जो 80 से 90% जो सुअर अकाल समय में मरती है, उससे हम उसको बचा सकते हैं। सुकर गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लिहाजा स्नान और हवादार जगह का इंतज़ाम रखें। वहीं आहार के लिए घरों, होटलों का बचा हुआ भोजन एवं जूठन खिला सकते हैं। गेहूं का चोकर, धान की भूसी, बेकार अनाज इत्यादि भी दिया जा सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सुकर पालकों को चाहिए कि सुकर ज्वर तथा खुरपका मुँहपका से बचाव के लिए 2.5 से 3 माह की आयु में टीकाकरण करें। बेहतर सुकर पालन के लिए प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है।
जहाँ तक प्रशिक्षण की बात करें तो हमारे चाहे जिला स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, हमारे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ की वे प्रशिक्षण लेके कैसे हमारे जो छौने होते हैं उनको आप बीमारी से बचा सकते हैं, कैसे हमारे जो छौने जो बच्चे जो सुअर के बच्चे होते हैं वो खान पान की कमी के चलते मर रहे हैं या पैर से कुचल के माँ के शरीर के माँ से जो दब के मर रहे हैं या और सब भी बहुत सारी जो संभावनाएं जो दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतों को हम लोग या आयरन की कमी से जो मर रहे हैं तो इस सारी दिक्कतों को प्रशिक्षण के द्वारा ही हमारे किसान बंधु चाहे वो जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र हो या हमारा जो पशुपालन विभाग का जो हमारा हॉस्पिटल हो चाहे राज्य स्तरीय हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हमारा वेटनरी कॉलेज हो पशुपालन अस्पताल हो, वहाँ से वे प्रशिक्षण लेके निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त कर वे अपने इस उद्योग को धंधे में ला सकते हैं लाभकारी। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा कि झारखंड परिवेश में सुकर पालन करने की कितनी लाभकारी संभावनाएं हैं और काफ़ी कम लागत में आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है फसलों में समेकित पोषक तत्व और प्रबंधन कैसे करें। हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी फसल की उपज अच्छी हो और अच्छी गुणवत्ता वाली हो, इसीलिए खाद और उर्वरक का प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि फसलों में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें जिससे उनकी उपज अच्छी हो। आज हम आप पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि पौधों में समेकित पोषक तत्व का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। अगर हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो बिना पोषक तत्व के पौधों का विकास ही नहीं हो सकता है, तो पोषक तत्व का प्रबंधन पौधों में किस तरीके से किया जाए? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों की, जैसा कि आज के परिवेश में है, सघन खेती में उन्नत प्रभेदों एवं संकर प्रभेदों के आ जाने से उत्पादन तो अच्छा आ रहा है, लेकिन मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए केवल हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का तात्पर्य होता है जैविक खाद, जीवाणु खाद एवं रासायनिक खादों का निरंतर समावेश ऐसा हो जिससे हमारी मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें, हमारी उत्पादन क्षमता बरकरार बनी रहे। डॉक्टर साहब, अगर हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे कितने पोषक तत्व होते हैं और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए नितांत आवश्यक है? हाँ, मुख्य रूप से जो अभी तक पाया गया है 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर इन पोषक तत्वों में एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वे अपने जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी क्रम में पहले समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात यहाँ की जा रही है, इसलिए पहले हम चलेंगे जैविक खाद। जैविक खाद को किस तरह से हमारे किसान भाई उत्पादन में कमी कर सकते हैं? अभी जैविक खाद में जैसे कि अभी हरी खाद, सबसे पहले हम हरी खाद का प्रयोग किसानों को बताना चाहेंगे। हरी खाद में जैसे ढैंचा, सनई, मूँग, उड़द इत्यादि फसलों को उगा करके, लेकिन हम जिस परिवेश में खड़े हैं यहाँ सबसे उपयुक्त फसल ढैंचा है जो कि 45 दिन में तैयार हो जाती है और उसको धान के लगभग 45 दिन लगाने के 45 दिन पूर्व यानी कि लगभग उसको मई के महीने में 15 मई के बाद हम उसको बुआई कर देते हैं। पानी लगा करके बुआई करने के बाद जब हमारा 45 दिन का हो जाता है उसमें फूल निहाई स्टेज कहते हैं, मतलब का घुटने तक के उसका ऊंचाई हो जाता है, उसको हम खेत में सड़ा देते हैं। 45 दिन जब पूरा हो जाता है तो जुलाई के महीने में उसको हम सड़ा करके पाटा लगा देते हैं, तो यह एक प्राकृतिक रूप से खाद बन जाती है जो हमारे किसानों के खेतों में उपलब्ध हो जाती है। ये तो आपने बताया कि प्राकृतिक तरीके से किस तरीके से पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जाता है। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किन किन पोषक तत्वों की कमी मुख्य तौर पर देखी जा रही है? देखिए, ये झारखंड में पोषक तत्वों की कमी तो जो है, जब हमने आपको बताया संकर प्रभेदों और उन्नत प्रभेदों के समावेश से जो पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को जीवाणु खाद में राइजोबियम कल्चर जिसमें फसल चक्र वो अपनाएं। फसल चक्र अपनाने से उनका क्या है कि
जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन घूम रही है, टहल रही है, उसको हमारी दलानी फसलों में जो छोटे छोटे गांठे पाई जाए, नूडल्स पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो दलानी फसलों का समावेश हमारे फसल चक्र में ज़रूर हो। कभी दलानी फसलों के बाद अनाज वाली फसलें, अनाज के बाद दलानी फसलें वाली, और गहरी जड़ वाले के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलें उगाना चाहिए। जैसे अब सब्जी की खेती के बारे में बता दें, जैसे कि आप सब्जी खेती में फरश बीन, बोदी इत्यादि अपने बैंगन और आलू के बाद अपना उपयोग कर सकते हैं। ये तो हमने राइजोबियम कल्चर की बात की। हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, यदि एक हेक्टेयर में हमारे किसान भाई दलानी फसलों का उपयोग करते हैं, तो दलानी फसलें का उपयोग अगर नहीं कर पाते हैं, उनको जो है सब्जी ही उगाना है, तो भी उसका भी एक विकल्प है, जो कि विरसा कृषि विश्वविद्यालय में दलानी फसलों की जड़ों से कल्चर, राइजोबियम कल्चर बनाया गया है, जिस कल्चर का उपयोग वो कर सकते हैं। वो कल्चर 200 कैसे प्रयोग करेंगे, 200 ग्राम गुड़ को लेकर के 1 लीटर पानी 15 मिनट तक उबालें, और जो भी बीज वो दलानी फसलों का अपने खेत में बोने जा रहे हैं उसको उपचारित कर लें, उपचारित कर, उस कल्चर को, उस जो अपना उनका पाक बना हुआ काढ़ा बन गया है उबालने के बाद, गुड़ और गुड़ को 15 मिनट तक उबालने के बाद काढ़ा बना है, उसमें बीज को मिला करके ठंडा कर, मतलब बीज को। डॉक्टर साहब, ये जो बातें बतला रहे हैं राइजोबियम कल्चर की, बातें बतला रहे हैं किस तरीके से राइजोबियम कल्चर किया जाता है, अगर हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, बोरोन, ये सब जो मुख्य तौर पे पोषक तत्व होते हैं, इसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ताकि हमारे पौधे स्वस्थ रहें, उनका उत्पादन भी अच्छा हो। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अब रासायनिक खाद पर आ जाते हैं, चूँकि रासायनिक खादों के बिना हम उत्पादन अभी करना असंभव, इसलिए पूरी तरह से जैविक पर हम नहीं जा सकते हैं। नाइट्रोजन की दक्षता जो है 20-50% है, और फास्फोरस की दक्षता, पोषक तत्व दक्षता 10-20% है, और पोटास की दक्षता 50-60% है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो कहे जाते हैं वो 1-2% उनकी दक्षता है। लेकिन आजकल हमारे खेतों में हमारे सब्जियों को उगाने से, निरंतर उगाने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम सोडियम मॉलिब्डेट, किसानों को मॉलिब्डेनम की कमी को पूरा करने के लिए 2-5 किलोग्राम सोडियम मॉलिब्डेट पर हेक्टेयर देने की बात करते हैं, और बोरान की कमी को पूरा करने के लिए लगभग 1.5 किलोग्राम बोरान प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने की बात करते हैं, जिससे बोरान की कमी को पूरा किया जा सकता है, मॉलिब्डेनम की कमी को पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरीके से रासायनिक तौर पे जो है हम पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान के दिनों में हमारी सरकार जो है प्राकृतिक खेती की ओर उनका रुझान बढ़ा, वो चाहते हैं कि हमारे देश के किसान जो है प्राकृतिक खेती करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं, ताकि मिट्टी भी स्वस्थ रहे और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अगर हम प्राकृतिक तौर पर अगर हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, प्राकृतिक पोषक तत्व अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है, तो धान में ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को हमारे किसान भाई अपने घर पर भी उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मृदा एवं कृषि रसायन विभाग विरसा कृषि विश्वविद्यालय से वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू कल्चर, ग्रीन कल्चर जो है वहाँ से ला सकते हैं, अपने घर पर भी उत्पादन करते हैं। इसे उत्पादन करने के लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि वो अपने घर पर एक ग्लेबोजनाइज्ड लोहे की एक चादर आती है, जो 2 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर गहरी होती है, उसमें वह जो है 10 ग्राम चूना और 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलोग्राम दोमट मिट्टी और मिला करके तीनों को उसमें चादर में फैला दें, उसके बाद पानी भर दें, और जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीन बीजिए ब्लू ग्रीन एग्रीकल्चर ला करके उसमें यदि डाल देते हैं तो वो उनका तैयार हो जाएगा, और जब धान रोपाई करते हैं, धान रोपाई करने के बाद वह उसको लगभग 5-10 किलोग्राम उस ब्लू ग्रीन एल्गी को 10 दिन के बाद पानी भर करके धान के खेत में छिड़काव कर दें, लगभग उन्हें 30 किलोग्राम यूरिया का उनको फायदा होगा, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का फायदा होगा, जो 66 किलोग्राम यूरिया के बराबर होगा। तो किसान भाई बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको 2 जानकारियाँ दी। आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 8340001।
और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के इस समय में आप भीड़ में जाने से बचे, दो गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम भी जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।